अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम देखेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, मेजर्स टू डेफिसिट फाइनेंसिंग या मेजर्स टू रिमूव डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग बेसिकली होता क्या है, जब भी आपका बजट जो है डेफिसिट में जाता है, गवर्नमेंट का बजट मींस उसके रेवेन्यू ज़्यादा होता है, सॉरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है जो कि वो टैक्सीज के थ्रू कलेक्ट करती है। तो और जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट को उन एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए अपने बजट को फाइनेंस करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जो डेफिसिट में जा रहा होता है उसको फाइनेंस करना पड़ता है, और इसको आप डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हो। जब भी गवर्नमेंट अपने बजट को फाइनेंस करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करती है, जिसमें वो बोरो करती है, ठीक है, बैंक से और नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, और न्यू नोट्स जो है वो प्रिंट करती है। तो ये सारे जो वे हैं, ये जो है फाइनेंसिंग वे है, आपके बजट को फाइनेंस करते हैं। ठीक है, तो इसको आप डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हो। अब या और जो बेसिकली आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग की मेन डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू महबूबुल हक, डेफिसिट फाइनेंसिंग रिप्रेजेंट द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वही के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के दरमियान जो गैप आ जाता है, जिससे डेफिसिट होता है, तो उसको फाइनेंस करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए डेफिसिट को आप फाइनेंस करते हो। ठीक है, अब टेक्निक्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है और मेजर्स टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। सबसे पहले है बॉरोइंग फ्रॉम बैंक्स। गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक से बोरो करती है। ठीक है, आपके पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरो करती है और कमर्शियल बैंक से बोरो करती है, और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जो गवर्नमेंट है उसको इनकन्वीनियंटी कन्वीनियंस जो है वो फेस नहीं करना पड़ता। ठीक है, और इस तरह की बॉरोइंग से जो है नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास इनफ रिजर्व्स होता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी लोन प्रोवाइड कर सके और गवर्नमेंट को भी लोन दे सके। और सच टाइप ऑफ लोन्स पे आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो आप लोकल करेंसी में पे करोगे। ठीक है, रीपेमेंट या इंटरेस्ट रेट जो भी पे करना है वो आप लोकल करेंसी में करोगे। ठीक है, और डीमेरिट्स क्या होंगे इसके, जब भी कोई इंडिविजुअल बोरो करता है या गवर्नमेंट बोरो करते हैं, तो वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए करती है। ठीक है, उसे क्या होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भी अनप्रोडक्टिव हों, जिससे इन्फ्लेशन जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, डीमेरिट ये है इसका। और दूसरा जो है आपके पब्लिक बॉरोइंग से क्या होगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगाए जाएंगे जिनसे नॉमिनल जो है वो आपकी आउटपुट आए, मीन्स कि आपके मोनिट्री टर्म्स में आउटपुट आए, आपके रियल जो एक्चुअल आउटपुट है वो इंक्रीज़ ना हो। उससे क्या होगा कि इकॉनमी में आपकी इनकम भी नहीं इंक्रीज़ होगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू मॉनिटरिस्ट, जब भी आपका गवर्नमेंट जो है वो बैंक से बोरो करती है, तो आपके क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ जाता है, मींस कि आपके प्राइवेट सेक्टर को लोन जो है वो कम मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सॉरी डिमांड बढ़ा देती है लोन्स की। तो उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो प्राइवेट सेक्टर है वो निगलेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं लेता। ठीक है, तो इससे प्राइवेट सेक्टर की जो है वो डिस्करेज हो जाती है इन्वेस्टमेंट, और इसे क्राउडिंग आउट कहते हैं। फोर्थ वन है कि कमर्शियल बैंक जब भी बोरो जो है कमर्शियल बैंक फर्दर बोरो करता है सेंट्रल बैंक से। ठीक है, तो जब वो बोरो करता है तो इस तरह जो है वो सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है बढ़ जाती है, तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉरोइंग फ्रॉम नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन। हमने कल देखे थे डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जिनमें इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती थी, आपके सेविंग सेक्टर और पोस्ट ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, इन सब कंपनीज में जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट के बाद उनको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, और इस सब का जो है उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, ये फर्दर गवर्नमेंट जो है लोग जो है इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, और ये कंपनीज जो है फर्दर गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करेगी, और गवर्नमेंट जो है इनके इस इन लोन्स के रिटर्न में इनको इंटरेस्ट रेट देते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है कि जो इस तरह के लोन्स होते हैं, इनसे इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होती, क्योंकि जो लोग हैं वही इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब लोग जो इन सच टाइप ऑफ
कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी कंजप्शन जो है वो कम होगी और जिससे इन्फ्लेशन नहीं होगी। दूसरा कि आप इसे लोकल करेंसी में जो है रीपेमेंट कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हो। और थर्ड वन कि आप इसे को ऐसे लोन जो है वो इजीली ले सकते हो। फोर्थ वन है कि लोगों के पास एक सिक्योरिटी होगी कि जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे गवर्नमेंट जो है वो लोन ले रही है उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो उनका जो है एक अमाउंट जो है वो सिक्योर होगी, ठीक है। और फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स, जब भी गवर्नमेंट जो है वो लोन तो ले लेती है, ठीक है, उसके रिटर्न में लोगों के पास जो सर्टिफिकेट जाते हैं वो कमर्शियल बैंक को दिखा के वहाँ से जो है वो अमाउंट ले लेते हैं, तो वो जो अमाउंट है वो कंजप्शन पे जब स्पेंड करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन होती है। और दूसरे लोग जो इंटरेस्ट रेट गेन कर रहे हैं उससे भी अर्निंग जो है उनकी इंक्रीज़ होगी और उससे क्या होगा कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन होगी क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर बूस्ट अप हो जाएंगे लोगों के। उसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं लेती है लोग जो है, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो में भी होर्डेड मनी हो, जो उनके पास सेविंग हो, ठीक है, तो उससे ये होगा कि लोगों की कंजप्शन जो है वो डिक्रीज़ नहीं होगी और ना ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। ये थे डिमेरिट्स। नेक्स्ट वन पॉइंट है फाइनेंस का करने का, प्रिंटिंग न्यू नोट्स। जब भी गवर्नमेंट डेफिसिट में होगी तो वो अगर करेंसी अगर न्यू नोट प्रिंट करती है, ठीक है, न्यू नोट इशू करती है, तो उससे वो अपने डेफिसिट फाइनेंसिंग को जो है वो ओवरकम कर सकती है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ प्रिंटिंग न्यू नोट्स, इसके एडवांटेज ये हैं कि जब भी आप गवर्नमेंट जो है बैंक से बोरो करेगी तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ जाएगा। अब नॉन इंस्टीट्यूशन नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन से बोरो करेगी तो वहाँ से उसको बहुत स्मॉलर अमाउंट ऑफ जो है वो लोन मिलेगा, तो इसका बेहतर ये एडवांटेज है कि वो न्यू नोट जो है वो प्रिंट कर ले, ठीक है। और सेकेंडली जब भी न्यू नोट्स प्रिंट करने से जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इन्हेंस होंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी इकोनॉमी में कंट्री में, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉस्पेरिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी कंट्री में, ठीक है। और जब भी न्यू नोट्स जो प्रिंट आउट करोगे तो अगर आप उसको क्विक यील्डिंग प्रोजेक्ट्स में मीन्स के जो आपको रिटर्न अच्छा दे और जल्दी दे, ठीक है, उनमें स्पेंड करोगे तो आपकी इन्फ्लेशन भी राइज नहीं करेगी, ठीक है। और आपको जो है इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है बैंक से अगर बोरो करते हो, नॉन बैंक से बोरो करते हो, लेकिन अगर आप न्यू मनी जो है वो प्रिंट आउट करोगे तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बियर करना पड़ेगा, इस तरह के एक्सपेंडिचर जो है वो फेस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है वो न्यू नोट्स अगर लेती है, अगर उससे इन्फ्लेशन राइज भी होती है तो जब भी इन्फ्लेशन राइज होगी तो जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए जो है प्राइसेस ज़्यादा होगी तो वो जो अपनी कंजप्शन है वो कम कर देंगे, वो सेव ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो जो सेविंग है वो डिवेलपमेंट और नॉन डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है कि आपकी सिर्फ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट नहीं बल्कि सोशल जो है बैकवर्डनेस को भी रिमूव करना है, ठीक है, इंडस्ट्रियल अपना एग्रीगेट सेक्टर इलिट्रेसी को रिमूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, उसके लिए हैवी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो न्यू नोट जो है प्रिंट कर रही है तो वो ये सारे जो एक्सपेंडिचर है वो ईजीली कर सकती है, ठीक है। डीमैट्स क्या है कि आपके जो जब भी न्यू नोट प्रिंट आउट होंगे मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, उसे ओपन और क्लियर कट इन्फ्लेशन होगी, ठीक है, और जो इन्फ्लेशन की वजह से आपके जो फिक्स इनकम ग्रुप है जिनकी इनकम फिक्स है वो अफेक्ट होंगे क्योंकि वो ज़्यादा प्राइसेस पे कम चीज़ें जो है वो परचेज कर पाएंगे, उनकी परचेजिंग पावर जो है वो अफेक्ट होगी, ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी जो है वो काम करने की डिक्रीज़ हो जाएगी और इससे क्या होगा कि आपकी सोशल अनसोशल एक्टिविटीज़ जो है वो इनक्रीज होंगी इन्फ्लेशन की वजह से। और जब भी राइज होंगे प्राइस तो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो अनसर्टन हो जाएंगी, ठीक है, मींस के जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो इन्वेस्ट करने के लिए मनी रखेंगे उसको वो जो है वो ग्रीन गोल्ड लैंड वगैरह जो है परचेस करने में लगा देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि फ्यूचर में जो है वो प्राइसेस ज़्यादा होंगी। इससे क्या होगा कि आपके आर्टिफिशियल जो है शॉर्टेज की वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके न्यू नोट से इन्फ्लेशन क्रिएट होगी, उससे क्या होगा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपकी करेंसी की वैल्यू जो है कम हो जाएगी, उससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अफेक्ट होगा और इस डेफिसिट को रिमूव करने के लिए आपको डिवेल्यूएशन की तरफ मूव करना पड़ेगा और डिवेल्यूएशन ऑफ मनी से भी इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में, ठीक है। दीज आर ऑल डिमेरिट्स ऑफ योर प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी, ठीक है। हमने आज डेफिसिट फाइनेंसिंग को देखा और उसको ओवरकम करने के लिए तीन तरह के मेथड जो है गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है वो देखे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।